हाउस में पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार पर भरपूर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य सरकार सिर्फ वादे करते हैं। चुनावी मैदान के समय उन्होंने लोगों को भरपूर प्रलोभन दिया, लेकिन जनता राज्य सरकार को जान चुकी है कि यह सरकार सिर्फ वादे की सरकार है और आने वाले समय में जनता इस सरकार को समझ दिखेगी। मौके पर विधायक केदार हाजरा, जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, भाजपा नेता विभाकर पांडे, पूर्व मंत्री चंद्रमोहन प्रसाद, पूर्व विधायक लक्ष्मण स्वर्णकार, जीप उपाध्यक्ष कामेश्वर पासवान, भाजपा नेता विनय सिंह समेत कई लोग उपस्थित थे। राज्य में सरकार को बने हुए तो एक साल से अधिक और सरकार ने जितने कुछ भी चुनाव के पहले चुनाव के बाद जो जनता के बीच वादा किया था उसको तो पूरा नहीं किया, बल्कि लोगों की मुश्किलें को कम करने के बदले और सरकार ने बढ़ा दी। विकास के काम में तो बार बार सरकार रोती है कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है, जबकि हमारी जानकारी में राज्य के कई एक जिला है जहां पर आज भी खजाना में पैसा पड़ा हुआ और राज्य सरकार ने उन पैसों को खर्च करने पर ही रोक लगा दी और जिस कारण से विकास का काम ठप पड़ा हुआ है और जो कुछ भी काम थोड़े बहुत हो रहा है तो भारत सरकार की जो केंद्रीय प्रायोजित स्कीम है, योजना है, उसी के तहत काम चल रहा है। लेकिन यहाँ मैं जिसमें बिना पैसा से भी काम हो सकता था लेकिन वो भी काम सरकार नहीं कर रही, जैसे लॉ एंड ऑर्डर आज इस राज्य में सबसे बदतर स्थिति में, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने के लिए जो संसाधनों की जरूरत है उसकी कोई कमी नहीं है राज्य। हमें याद है जब झारखंड अलग राज्य नहीं बना था, हम सब लोग बिहार में एक साथ थे, उस समय थाना में गाड़ी भी नहीं हुआ करता था। थानेदार के पास एक मोटरसाइकिल होता था, उसी से घूमते थे और थाना में पुलिस बल की भी कमी थी और उस वक्त कोई FIR करने के लिए भी लोग पहुंचते थे तो कागज भी नहीं हुआ करता था, यानी लोगों को कागज लेकर के जाना पड़ता था। उस समय पूरे प्रदेश में लगभग 24,000 करीब पुलिस बल थे और आज के तारीख में थाना में संसाधनों की कमी नहीं है, पुलिस के पास गाड़ियां भी हैं, पुलिस के जवान जो उस समय जितने थे उससे आज दोगुने की संख्या में है और पूरे प्रदेश में 80,000 से अधिक पुलिस बल, और तब भी इस राज्य में चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण आम बात हो गई। कोरोना का काल में ये घटनी चाहिए थी, बल्कि इसमें से और बढ़ोतरी हुई। अब तो इस राज्य की हालत वैसे हुई जो 2000 के पहले जब बिहार में हम सब लोग थे उस समय एक आतंक, एक भय का माहौल था, कोई भी व्यवसायी अच्छी गाड़ी तक नहीं खरीद पाते थे। राज्य की राजधानी रांची में भी 8 बजे के बाद दुकानें सब बंद हो जाती। आज फिर से राज्य में वही स्थिति हो गई, आप जितनी भी व्यवसायी है अब सबों को आप व्हाट्सएप मैसेज, विदेशी नंबर से भी मैसेज लोगों को करते हैं, यहाँ तक कि वीडियो कॉलिंग करके भी लोगों से पैसा मांगे जा रहे हैं, रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी और नहीं तो घर में हमला भी हो जा रहा है, ये आम घटना हो गई। बहुत लोग तो डर से पुलिस को भी खबर नहीं करते और हमारे पास तो ये भी जानकारी है, लोगों ने बताया जिन्होंने पुलिस को खबर किया तो पुलिस ने क्या कहा कि आप उन लोगों से मामला को बातचीत करके निपटा दो ले देकर।
यानी राज्य किस मोड़ पर पहुंच गई है, इससे आप अंदाज लगा सकते हैं। राज बनने के पहले इस प्रदेश में उग्रवाद की एक्टिविटी गतिविधि कैसे थी, गिरिडीह के लोगों को बताने की कोई ज़रूरत नहीं। गिरिडीह से ये जो पीरटाण की सड़क या टुंडी की सड़क, रात को गाड़ियां नहीं जाती, वैसे चायबासा की सड़क पलवलियां चलाए, आए दिन उग्रवादियों का उपद्रव पूरे प्रदेश में आप देखेंगे, सब जगह हो रहा है, घटनाएं घट रही हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। और इस प्रदेश में सबसे अधिक महिला प्रताड़ित है, पूरे एक साल में दुष्कर्म की जो घटनाएं घटी है महिलाओं के साथ वो लगभग 1700 करीब, और सरकार के लोग या बैठे हुए कांग्रेस जेएमएम सारे लोग क्या बोलते हैं कि आदिवासी मुख्यमंत्री है इसलिए बीजेपी वाले विरोध करते हैं, लेकिन सबसे अधिक महिलाएं 600 से अधिक की संख्या में आदिवासी महिलाएं इसमें दुष्कर्म की शिकार हुई, 400 से अधिक तो दलित महिलाएं शिकार हुई, और बाकी भी जो कमजोर तबके के, और आए दिन घटनाएं हो रही। और न्याय के लिए अगर सड़क पर लोग आंदोलन करते हैं, सड़क पर लोग आंदोलन करेंगे तो हाथ पैर तोड़ देंगे, सोशल मीडिया में भी अगर लोग डालते हैं, ट्वीट करते हैं जस्टिस फॉर निर्भया और मांझी ऐसा करके, तो उस पर भी कहते हैं कि उन लोगों को भी नोटिस किया जाएगा, उन लोगों के ऊपर भी केस किया जाएगा, यानी पकड़ना चाहिए अपराधियों को, पकड़ना चाहिए उन गुंडा बदमाशों को। तो धमकी किसको दे रहा है, जो न्याय के लिए लोग आंदोलन कर रहे हैं, न्याय के लिए जो लोग आवाज उठाते हैं। तो ये राज्य की स्थिति, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में जब सब लोगों के संज्ञान में लाना था, और पूरे प्रदेश की स्थिति यानी लॉ एंड ऑर्डर जिसको कहते हैं लचर हो चुका, क्योंकि इसमें पैसे की रोना तो कोई ज़रूरत नहीं है, संसाधनों की कमी नहीं है, पुलिस बल की कमी नहीं है, तो इसको तो ठीक करते सरकार और गृह विभाग मुख्यमंत्री के पास, तब ये हालत हो। दूसरा जो मामला है करप्शन की, भ्रष्टाचार, अब बड़े बड़े भ्रष्टाचार की हम बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े भ्रष्टाचार में कहाँ कितना कमीशन लिया जाता है उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ आम लोगों के जुड़ाव जहाँ से है, आम लोगों के जुड़ाव कहाँ से है, थाना से है, अंचल से है, लेकिन आज ये जो जगह है ये करप्शन का अड्डा बन चुका है। मानो ऐसा लगता है इस विभागों में जो पदाधिकारी कर्मचारी लगे हुए, लगता है सरकार ने पैसे उगाही में लगा रखे, वसूली में लगा रखे, पूरे प्रदेश में यही स्थिति है। पिछले दिनों आप सब ने देखा सरकार ने एक नोटिफिकेशन या आदेश दिया कि भाई बिना खतियान के कोई रजिस्ट्री नहीं हो, तो हमको तो गिरिडीह से लोग टेलीफोन किया कि भाई यहाँ तो 1904 या 8 या 10 11 में सर्वे हुआ था, आज की हालत यह है कि रजिस्टर 2 भी नहीं मिल रहा है सरकारी दफ्तरों में, खतियान कहाँ ख़त्म हो गया पता नहीं। अभी हमको देवरी ब्लॉक से ही निम डीह का क्या बोलते हैं नेमाटाण थाना नंबर 172 थाना देवरी का दिया है लोगों ने, गांव के लोगों ने एक पिटीशन दिया, उस गांव में 200 रैयत का पंजी 2 हल्का मुख्यालय में लगभग 7-8 वर्षों से उपलब्ध नहीं, बार बार लोगों अंचल में लोग आवेदन दे रहे हैं, उपायुक्त को लोग दे रहे हैं, तो कहीं कोई उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। भाई पहले तो सरकार का काम है इन सारी चीज़ों को ठीक करना,
कहने के तो ऑनलाइन की बात करते हैं, लेकिन ऑनलाइन में भी तभी होता है जब पहले कर्मचारी और पदाधिकारी से लोग मिल करके क्या बोलते हैं उसको, माने वो लोग लाइन में पहले लोग मिल लेते हैं तब फिर ऑनलाइन होता है। तो ये स्थिति है बदतर। तो इसलिए हमने कहा कि आज पार्टी ने तय किया, इसलिए पिछले दिनों हम लोग यहाँ गिरिडीह में भी आंदोलन हुआ था, आप सबको ध्यान में है। उसके बाद 16 दिसंबर को सभी प्रखंड मुख्यालय में धरना का भी कार्यक्रम था, क्योंकि एक वर्षों तक सरकार को काम करने के लिए समय दिया गया, मौका दिया गया, और हम सब लोग राज्य की जनता को भी ये उम्मीदें थी शायद ये सरकार बेहतर करेगी, लेकिन और बदतर होती जा रही। इसलिए पार्टी ने अब तय किया कि भाई हम अब चुप नहीं बैठेंगे, लोकतंत्र में आंदोलन का जो भी तरीके हैं, रास्ते हैं, उसको हम लोग अपनाएंगे और सरकार को सुधारने के लिए मजबूर करेंगे, और नहीं तो फिर सरकार को धक्का देके हटाएंगे। ये बाबूलाल जी बताइए कि राज्य में मतलब जंगल राज का स्थिति है लालू यादव के समय, तो आप क्या 4 साल इंतजार करेंगे या फिर ऑपरेशन लोटस का? देखिए, पहली बात तो मैं कहूँगा कि हमें कोई इस प्रकार की कोई ऑपरेशन लोटस नहीं चल रहा है। ये पता नहीं कहाँ से आप सब लोगों ने, अगर ऑपरेशन लोटस होता तो फिर हम गिरिडीह में काहे आप लोगों से रोज हम काहे घूमते, पूरे झारखंड घूमने की जरूरत क्या थी? जनता को खड़ा करेंगे, जन दबाव को पैदा करेंगे। एक बड़े मिशन पे आप निकले हैं, लेकिन आपके घर की हालत इतनी खराब है कि भाजपा ऑफिस में एक एक प्रभारी को नियुक्त करके फिर उसके ऊपर रोज लोग देख रहे हैं, उसके लिए सारे लोग नियुक्त हैं। इस प्रकार की थोड़ा तकलीफ जिनको होती है कि पद नहीं मिला, तो स्वाभाविक है गुस्सा में, घर में भी झगड़ा होता है, नहीं देखते हैं पति पत्नी भी कभी कभी कैसा हो जाता है झगड़ा, आपकी झगड़ा नहीं हुई होगी कहीं। ये आंदोलन किए तो भ्रष्टाचार बढ़ गया, जैसे बालू पर आंदोलन किए बालू का दाम बढ़ गया, तो लगातार बढ़ रहा है, हम तो बता ही रहे हैं। पब्लिक को तो चाहिए था नहीं, हम लोग तो कोशिश ही नहीं करेंगे, हम तो आंदोलन करेंगे, यही नहीं करेंगे लोकतंत्र में, जनता को बताएंगे कैसी सरकार लूट रही है, पब्लिक की परेशानी और बढ़ गई, समस्या का कोई समाधान ही नहीं हो पा रही है, परेशानी को खुद दूर करें। अच्छा, आप जब अपनी पार्टी चला रहे थे आदिवासियों का सम्मेलन भी, उसी पीरटाण के ढोलकट्टा में एक आदिवासी मारा गया और आप सर्टिफिकेट दिए थे एक मोतीलाल बास्के कि वो निर्दोष है और पुलिस उसको फर्जी मुठभेड़ में मार गिराया है, तो ये जब तक आप रहे अपनी पार्टी चलाए तब तक तो स्टैंड ठीक था, आज के दिन में आपका क्या मानना है? मैं कहूँगा कि उस मामले को लेकर के यहाँ पता नहीं उपस्थित है कि नहीं सिकंदर जी, उस समय भी जब बीजेपी की सरकार थी तो हम लोगों ने प्रयास किया था, और दुर्भाग्य ये है कि जो जेएमएम के लोगों ने ही फिर उनसे जो क्या कहते हैं उसको, जो सुविधाएं जो मिलनी चाहिए था उससे लोगों ने उनको वंचित किया उस समय भी। पंचायत चुनाव में अभी जो 6 महीने के लिए आगे बढ़ाया गया और ये क्या समिति कार्य समिति के प्रधान वगैरह तरीका बदला गया इसमें? देखिए, मैं तो बार बार चाहता हूँ कि भाई लोकतंत्र में जितना जल्दी हो बिना विलंब किए सरकार को चुनाव करानी चाहिए। नई व्यवस्था जो पंचायत का किया है उससे कितना सहमत है? देखिए, सहमति की बात नहीं, लोकतंत्र में चुनाव ही एकमात्र विकल्प है। ये नई व्यवस्था तो तात्कालिक होता है, क्योंकि आप कोरोना को लेकर के या तरह तरह की बहाना बना करके चुनाव नहीं कराया, तो उन्होंने 2-4 महीना के बाद, लेकिन उससे अधिक नहीं बढ़ना चाहिए, उस बीच में चुनाव करा लेनी चाहिए सरकार। और हम लोगों को प्रतिपक्ष का नेता कब मिलेगा? अब ये तो हेमंत सोरेन से बात करें, विधानसभा के अध्यक्ष से आप बात करें, पार्टी की ओर से तो जो तय करके सब कुछ विधानसभा अध्यक्ष को डाला जा चुका है, विधानसभा अध्यक्ष और मतलब लगता क्या है कि 6 एमएम के आर हेमंत सोरेन के दबाव में काम कर रही है,
और उसका एक ही बन गई बहुत पर्याप्त आप सब लोगों के जानकारी की। पहले विधानसभा अध्यक्ष ने अगस्त में पार्टी तो विलय किया था नए साल में तुरंत, 2020 के अगस्त में सो मोटो उन्होंने नोटिस हमें दिया कि ये 10 शेड्यूल का मामला दिखता है। सो मोटो वो नोटिस नहीं कर सकते थे तो हम हाई कोर्ट गए, हमने कहा कि भाई ये गलत है, सो मोटो ये कैसे ले। और 15 और 16 दिसंबर को बहस हुई हाई कोर्ट में और उसी दिन हाई कोर्ट के जस्टिस ने उनको बोल दिया कि भाई आप इस प्रकार के नहीं ले सकते हैं, आपने ये गलत किया है। आपने क्यों लिया वो सारे लिखित उन्होंने मांगा विधानसभा से अध्यक्ष से। उसके बाद वो चले गए सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ विधानसभा को कह दिया अध्यक्ष को कि भाई आप हाई कोर्ट में जाइए। हाई कोर्ट में विधानसभा की ओर से देश के बड़े वकील कपिल सिब्बल ने बहस किया और अंत में कहा कि नहीं हम इस केस को आगे हम परस्यू नहीं करेंगे। तो उनको कहा गया कि आप एफिडेविट में दीजिए और कल उन्हें एफिडेविट में दिया और उस केस को एक प्रकार से उन्होंने वापस किया। आगे वो सो मोटो ले सकते हैं कि नहीं ले सकते उसके अगला कोई डेट बना है उसमें करेंगे, तो उससे तो वो भाग गए। लेकिन जब 16 तारीख को हाईकोर्ट में बहस हो रही थी उसी दिन उनको समझ में आ गया विधानसभा अध्यक्ष को कि ये मामला हम आगे नहीं चला पाएंगे, तब उसी दिन दो लोगों से उन्होंने आवेदन करवाया, एक राजधनवार से पूर्व विधायक राजकुमार यादव जी से, दूसरा भूषण तिर्की है गुमला के विधायक जेएमएम के उनसे कराया कि बाबूलाल मारंडी की सदस्यता समाप्त किया जाए क्योंकि 10 शेड्यूल का उल्लंघन मामला बना। फिर लगता है कि कुछ दिन के बाद उनको लगा होगा कि ये मामला शायद नहीं टिक पाए या फिर लोग कहेगा कि एक तो विधायक नहीं है दूसरा जेएमएम के विधायक है तो तीसरा फिर महागामा के कांग्रेस के विधायक दीपिका पांडे जी है तो उनसे फिर कंप्लेन कराया। उसके बाद भी उनको लगा कि शायद ये भी मामला जमेगा नहीं तो 17-18 अभी जनवरी को प्रदीप यादव और बंधु तिर्की से आवेदन कराया। तो ये साफ दिखता है विधानसभा अध्यक्ष की और सत्ता में बैठे हुए लोगों की मंशा क्या है वो बिल्कुल इसी से तस्वीर क्लियर हो जाता है कि जैसे जैसे उनको कोई वकील सजेस्ट करता है या जैसे जैसे उसको लगता है कि नहीं ये भी नहीं टिक सकता है तो ये करो ये नहीं तो ये करो तो मामला को ऐसे ही वो डाले हुए। आपको प्रतिपक्ष का नेता नहीं होना देना चाहते? देखिए उसमें दो तीन कारण है। एक कारण तो ये है कि कई एक नियुक्तियाँ होती है जिसमें प्रतिपक्ष नेता की जरूरत होता है। नतीजा क्या है कि जनता को जो सरकार से जानकारी लेना उसमें से एक उन्हें देना उनको नहीं पड़ेगा जनता को तो इसलिए वो खाली रखो। तो ये 5 साल ये रस्सा कसी चलेगा या बीजेपी को? मैं कह रहा हूँ कि देखिए कानूनी तो जो लड़ाई हम लोग लड़ेंगे लेकिन अब हम लोग कोई अपोजिशन के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे, इसलिए हमने तो आपने पूछा तो इसलिए मैंने इस बात को बोला कि अब तो लड़ाई हम लोग इसके लिए लड़ रहे हैं कि अगली सरकार इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बने उसके लिए हम लोग आप लड़ रहे हैं। चुनाव में हरा के ही झामुमो को बीजेपी के सरकार। हाँ तो और क्या भाई, अरे ये कहा है कोऑपरेशन लॉटेस्ट भाई। एक बात आपके भाषण में आता कि सरकार हम लोगों को सब लोग को जेल भेज देना चाहती है। हाँ अब किस प्रकार से वो तंग कर रही है, पिछले दिन आपने देखा कि जो सोशल मीडिया में जो लोग लिखते हैं उसमें से 150 से अधिक लोगों के ऊपर FIR कराए थे। और पिछले दिनों आपने देखा और मांझी की घटना के बाद जिस ढंग से राज्य के पुलिस कप्तान का बयान आया, जिन लोगों ने भी ट्विटर में ट्वीट किया है
फेसबुक में डाला है वैसे लोगों को नोटिस दिया जाएगा, उसके ऊपर केस किया जाएगा, तो इसका मतलब क्या होता है? सत्ताधारी दल के लोग तो नहीं कर रहे हैं। चलिए हो गया। फ्यूज बल्ब गैंग के लीडरशिप है और अब उनकी कोई अहमियत नहीं, क्या कहेंगे? अब चलो इस प्रकार के उनके नजरों में फ्यूज है तो कोई बात नहीं है, एकदम तो उनको डर क्यों है भाई, भयभीत क्यों है, डरे हुए क्यों है? चलो हो जाओ। केडी कैंपस एक शिक्षा को अलग स्तर में ले जाने के लिए देश के विभिन्न जगहों पर संस्था खोला गया है, जिसका एकमात्र उद्देश्य यह है कि बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम विकास करवाना है। इस उद्देश्य को लेकर केडी कैंपस डायरेक्टर मिसेज नीतू सिंह ने इस वर्ष 2021 से फाउंडेशन एजुकेशन की व्यवस्था दिल्ली के बाद गिरिडीह में भी प्रारंभ किया है, जो केडी मेडिकल टेक्नोलॉजी के अंतर्गत है। फाउंडेशन बैच क्लास 8 एंड 9 सीबीएसई आईसीएसई, मास्टर बैच 10th 11th एंड 12th साइंस एंड कॉमर्स, कोचिंग बैच एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस सीपीओ रेलवे बैंक पीओ क्लर्क जेएसएससी जेटेट सीटेट एंड अदर स्टेट पुलिस। केडी कैंपस देते हैं आपको एक्सपर्ट फैकल्टी की व्यवस्था के साथ वीकली टेस्ट एंड असाइनमेंट। पता होटल वसुंधरा अपोजिट लाइन मस्जिद स्टेशन रोड गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7700875027 7079801002।